लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम हाजे बॉल, मगर तुमने तो मेरे पकड़े जाने का पूरा इंतजाम करा दिया था। बताओ मुझे कि मेरी शक्तियां कैसे चली गई थी शक्तिमान के सामने? क्योंकि किसी ने मेरी मशीन का संपर्क तुमसे काट दिया था। पर तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैंने फिर से तुम्हें पावरफुल भी तो बना दिया था। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? मैं शक्तिमान को नीचा दिखाने के लिए टीवी सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। शक्तिमान को बराबरी की टक्कर भी दे रही थी मैं, लेकिन ऐन वक्त पर सब चौपट हो गया। सब चौपट हो गया जैकॉल। जानते हो, शक्तिमान मुझे अपने साथ पकड़कर अनुसंधान केंद्र लेकर जाने वाला था। अगर वो मुझे पकड़ कर ले जाता तो ले तो नहीं गया ना? लेकिन लेकर जा भी तो सकता था ना। मेरी बेइज्जती तो हो ही गई ना। मैं तो कमजोर पड़ी गई शक्तिमान के सामने। तुमने तो बड़े बड़े दावे किए थे मुझसे कि मुझे शक्तिमान बनाओगे, सुपर हीरोइन बनाओगे मुझे। क्या हुआ उन दावों का? तो क्या द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल ने तुम्हें सुपर हीरोइन नहीं बनाया? शक्तिमान जैसा नहीं बनाया? शक्तिमान जैसा बनाया? शक्तिमान नहीं बना पाए तुम मुझे, वरना वो नहीं होता। वो नहीं होता जो आज हुआ। वहां टीवी सेंटर में तो सब यही समझ रहे होंगे कि शक्तिमान से डरकर भाग गई सुनंदा। वही न्यूज रीडर है ना जो हमेशा शक्तिमान की न्यूज लाया करती है? जी हाँ, ये वही मशहूर पत्रकार गीता विश्वास है। तो फिर मेरा समाज में आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे आने से तुम्हारे सुपर हीरो की लोकप्रियता में कमी जो आ गई। योग? मैं तो योग का यो तक भी नहीं जानती। मैं नहीं मानती कि योग से ताकतवर बना जा सकता है। अच्छा, तो फिर ताकतवर कैसे बनी हो तुम? अंधेरे की ताकत से। लेकिन अंधेरे का काम तो लोगों को सताना है। गलत बात है ये। शक्तिमान
और गीता विश्वास जैसे लोगों की फैलाई हुई बातें हैं ये। वास्तव में अंधेरा लोगों का बुरा नहीं चाहता, उसकी दुश्मनी तो केवल शक्तिमान से है। मैं जानता हूँ तुम ये सब प्रतिशोध की भावना से कर रही हो। वापस लौटो अंधेरे का साथ छोड़कर। साथ तो तुझे छोड़ना होगा शक्तिमान, जिंदगी का। मैं आ गया हूँ सुनंदा। लगता है गीता तुम्हें टेंशन हो रही है कि तुम्हारा शक्तिमान मेरी सुनंदा से हार न जाए। लेकिन हमारे टीवी चैनल की टेंशन आप लोगों में से किसी को नहीं है। शक्तिमान और सुनंदा की न्यूज लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की थी। लेकिन सर, मैंने सुनंदा को यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया भी था। तो बस आपका काम खत्म हो गया। शक्तिमान और सुनंदा लड़ते हुए यहाँ से बाहर चले गए। जरा आप लोगों ने सोचा है कि हमारे दर्शक हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन सर, वो लोग इस तरह से लड़ते हुए बाहर चले जाएंगे ऐसा हम नहीं जानते थे, और फिर हम उन दोनों को वहाँ से जाने से रोक भी कैसे पाते। तो मिस्टर कुणाल, आपको ऐसा इंतजाम करके रखना चाहिए था कि उन दोनों ने यहाँ से बाहर जाने के बाद क्या किया वो भी हम हमारे दर्शकों को दिखा सकते। गीता जी, गंगाधर जी को हमने आपके साथ उसी काम के लिए रखा है, जरा आप ये बताएंगे कि वो है कहाँ। जी, वो शायद उन दोनों को कवर करने गया होगा। जी नहीं, शक्तिमान के यहाँ आने से पहले ही गंगाधर यहाँ से जा चुका था और मैंने उसे जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्या उसे यह पता होगा कि शक्तिमान और सुनंदा लड़ते हुए यहां से बाहर चले गए? पता है, हमें पता है। हमें पता है कि सुनंदा देवी और शक्तिमान भैया लड़ते लड़ते बाहर चले गए, और हमें वो भी पता है जो आप लोगों को नहीं पता। क्या यही कि सुनंदा देवी शक्तिमान से डरकर भाग गई? भाग गई? हाँ। यकीन करने लायक बात है भी नहीं ये। कहीं आप मजाक तो नहीं करें गंगाधर जी? अरे नहीं हिलना जी, मेरा मतलब है हेलन जी, हमने तो मजाक करना बचपन से ही छोड़ दिया था। हमने स्वयं अपनी आंखों से सुना है, मेरा मतलब है कानों से देखा है। नहीं, मेरा मतलब है कि आंखों से देखा है। आपका मतलब ये है गंगाधर जी कि आपने सब कुछ कवर कर लिया? कवर? यू मीन ढकना? किसको? मेरा मतलब यह है कि आपने सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया? अरे हाँ, कैद किया। हाँ, हमने कैद कर लिया, पूरा कैद कर डाला। बताया हमने क्या देखा? सुनंदा देवी और शक्तिमान भैया के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। ढाए ढाए ढिचू और फिर हमने कैमरे का खटका दबा दिया। खटका? खटका? What do you mean by खटका? अरे ये लाल वाला खटका। ऐसा कहिए ना, आपने कैमरे का स्विच ऑन कर दिया। आपकी भाषा में, हमने कैमरे का स्विच ऑन कर दिया और दृष्टि गड़ा दी हमने उन दोनों पर। हमने देखा शक्तिमान भैया और सुनंदा देवी के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया। कभी वो लोग यहाँ पर जाते, कभी वो लोग वहाँ पर जाते, कभी शक्तिमान भैया यहाँ खड़े होते, कभी सुनंदा देवी वहाँ खड़ी होती, कभी शक्तिमान भैया धिशुम करते, कभी सुनंदा देवी धिशुम करती, कभी शक्तिमान भैया वहाँ गिरते, कभी सुनंदा देवी वहाँ गिरती। गिर पड़ी। आ, 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 आ,
बड़े बड़े सुनंदा धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर कही बस फिर मिलेंगे बाय बाय और फिर वो वहां से गायब हो गई और हम भी चल पड़े स्टूडियो की तरफ पंची बनो और दी चलो वाह 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 गंगाधर जी ये आपने बहुत अच्छा किया लाइए मुझे कैमरा दीजिए 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 ना लीजिए ना क्या करेंगे सर अब हम दोनों की फाइट की फुटेज भी टीवी पर दिखा सकते हैं हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री का कार्य दिखाइए दिखाइए चिंता को दिखाइए उन्हें भी तो पता चले कि कितने महान छाया चित्रकार हैं हम इसमें टेप कहाँ है गंगाधर जी इसमें टेप तो है नहीं लगता है हम टेप डालना ही भूल गए आप टेप डालना भूल गए टेप डालना कैसे भूल सकते हैं आप देखिए आपको पता नहीं वहां पर क्या हड़बड़ी चल रही थी लड़ रहा था वो हम तो बचपन से ही इस तरह की हड़बड़ी और गड़बड़ी में हड़बड़ा जाते हैं बचपन में ही जब कभी कुछ दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं या फिर दो घोड़े आपस में लड़ रहे होते हैं या फिर दो शेर आपस में लड़ रहे होते हैं ना तो हम हड़बड़ा जाते हैं गड़बड़ा जाते हैं करना कुछ चाहते वो कुछ जाते हैं शट अप गंगाधर जी क्या बक रहे हैं आप इतने इंपॉर्टेंट मौके पर आप मौजूद थे आपने कवरेज भी किया और टेप डालना भूल गए क्या गंगाधर जी क्या करते हैं आप भूल गए जब खुद शक्तिमान बनकर सुनंदा से लड़ रहे थे तो कैमरा कैसे चलाते लेकिन सुनंदा हार कैसे गई पूछना पड़ेगा जयपाल से भावो! बार बार मुझसे एक ही सवाल मत पूछो साहब द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयपाल को ज्यादा सवाल पसंद नहीं है और हमें नाकामयाबी पसंद नहीं है डॉक्टर जयकॉल नाकामयाब नहीं है डॉक्टर जयकॉल नो तो फिर हार कैसे गई सुनंदा शक्तिमान से डॉक्टर जयकॉल कहा तो किसी ने मेरी मशीन का संपर्क काट दिया था सुनंदा से लेकिन ये मत भूलो उसके बाद भी मैंने ताकतवर बनाया था सुनंदा को तो ये वहां से कभी नहीं लौट पाती लेकिन अब तक तुमने ये भी पता नहीं लगाया डॉक्टर जयकॉल कि वो शख्स कौन है जिसने तुम्हारी मशीन का संपर्क सुनंदा से काटा था मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं और इतना तो मैंने पता लगा भी लिया है कि वो कोई मशीन नहीं इंसानी दिमाग था इंसानी दिमाग हाँ ये काम किसी मशीन का नहीं था इंसानी दिमाग का था तुम्हारा मतलब यह है डॉक्टर जयकॉल कि एक इंसान ने अपनी दिमागी ताकत से तुम्हारी मशीन को रोक दिया था क्या तुम्हें यह मुमकिन लगता है मगर हकीकत यही है यकीनन ये काम किसी इंसानी दिमाग का ही था बस अब पता यह लगाना है कि वो इंसान कौन हो सकता है सजाय लोकत्रय पावनाय जो पता लग गया जयकॉल भावा तुम जानती हो ऐसे इंसान को हाँ ये काम संजीव ही कर सकता है कौन संजीव सूर्यांशी संजीव शहर में बने सूर्यांशियों के अनुसंधान केंद्र का चीफ है वो सब लोग वहां उसे महाशय कहकर पुकारते हैं उसकी दिमागी ताकत बहुत ही विकसित है इतनी विकसित कि किसी भी इंसान के दिमाग में वो बिना बोले कोई भी बात पहुंचा सकता है तुम्हें यकीन है वो अपनी दिमागी ताकत से किसी भी मशीन को रोक सकता है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि ये काम वही कर सकता है
तो फिर अब नई सुपर हीरोइन सुनंदा शहर में कैसे आएगी डॉक्टर जैकॉल? एक बार उसने तुम्हारी मशीन को रोका है तो वो बार बार उसे रोकेगा। इस बार तो सुनंदा शक्तिमान से बचकर आ गई, पर हमेशा कैसे बचेगी डॉक्टर जैकॉल? अगर शक्तिमान सुनंदा को फिर से वापस अनुसंधान केंद्र ले गया तो? हाँ, शक्तिमान को यह मौका नहीं दूंगा। अब खुद सुनंदा जाएगी अनुसंधान केंद्र। सुनंदा का अगला कदम जो भी होगा बहुत सोचा समझा होगा शक्तिमान। हम समझते हैं और इस बात को शक्तिमान भैया भी समझते हैं। तो फिर पूरी तरह से अलर्ट रहो। इस बार दुश्मन बिल्कुल नए रूप में तुम्हारे सामने आया है शक्तिमान। इस बार अंधेरा अपने सुपर हीरो को भेजकर समाज में तुम्हारे प्रभाव को कम करना चाहता है, और अगर अभी सुनंदा को रोका नहीं गया ना तो बहुत जल्द अंधेरा अपने इस मकसद में कामयाब भी हो सकता है। सुनंदा अच्छे कामों के जरिए लोगों की चहेती बन जाएगी और फिर धीरे धीरे उन्हें अंधेरे की ओर मोड़ लेगी। और अगर सुनंदा सचमुच समाज में सुपर हीरोइन बन गई ना शक्तिमान, तो फिर उसका कुछ बिगाड़ पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए समाज के लिए सुपर हीरोइन बनकर रह जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अंधेरे का प्रतिनिधि खुलेआम घूमने लगेगा समाज में। जी, हम ये सारी बातें शक्तिमान भैया को बता भी देंगे और समझा भी देंगे, परंतु आप इतनी चिंता मत कीजिए। अरे हम हैं ना, जब तक हम हैं तो फिर शक्तिमान भैया की क्या आवश्यकता है? आप गाड़ी चलाते रहिए, गाड़ी में और कोई बातें कीजिए। अरे सुनंदा को छोड़िए, और भी तो बहुत सारे गम है जमाने में। अरे कोई फिल्मों की बात कीजिए, आपने अभी तक कोई गाना भी नहीं शुरू किया। मजाक की भी हद होती है। और ये क्या बार बार आप घर पर आके शादी की बातें करती रहती है? जब भी देखो माँ के सामने आकर शादी 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 शादी, कभी पापड़ लेके आ जाती है, कभी अचार लेके आ जाती है, और बोलती रहती है। माँ सुनती, अरे ये तो हमारा घर आ गया। घर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते। अरे आप क्यों उतर गई? आपका घर नहीं आया है, आप अपने घर जाइए। अपने घर ही तो जा रही हूँ। अरे ये तो हमारा घर है, आपका घर नहीं है तो हमारा घर है। हाँ गंगाधर, हमारा घर, मैं वही तो जा रही हूँ। अरे रुकिए देवी जी, हम हमारे घर की बात नहीं कर रहे, हम आपके घर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी माता श्री रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो घर? हाँ। माँ का घर तो लड़कियों के लिए पराया होता है गंगाधर जी, उसका असली घर तो पति का घर है, जहाँ पे आदरणीय सासू माँ रहती है। मुझे अपने सासू माँ से मिलना है गंगाधर जी। आप फिर नाटक करने लगी? नाटक? तुम्हें मेरा प्यार नाटक लग रहा है? हाँ हाँ, एकदम नौटंकी नौटंकी। मैं अभी सासू माँ को बताती हूँ। अरे अरे गीता बेटी, माँ जी क्या मैं नौटंकी वाली लगती हूँ? नहीं तो, किसने कहा? आपके लाडले ने। अरे वो तो पागल है। क्यों रे, तूने क्यों कहा ऐसा? अब वो तो बाबा क्या कर रहा है? चल माफी मांग, माफी मांग। मांगता है माफी या कान पकड़ो तेरे? ठीक है, हम माफी मांगते। क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं क्या? हम माफी मांगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार माफ कर देती हूँ। चलो खड़े खड़े यही बातें करोगे या अंदर भी चलोगे? माँ जी जब तक आप है ना, मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए। हे भगवान, ये नौटंकी वाली मेरे लिए ही संभाल कर रखा था। और बता बेटी कैसी है तू? आपसे मिलकर थोड़ी अच्छी हो गई हूँ माँ जी। क्यों, क्या हुआ, कुछ तकलीफ है बेटा? तकलीफ ही तकलीफ है माँ जी, मुझसे ज्यादा तो मेरी माँ को तकलीफ है। क्या हुआ उनको? शक्तिमान।